आज भी देखिए आप हर एक लोगों की आदत ही रहती है, जैसे मालूम होता है बाद लोगों की गुलास के धका देना। आज इस क्या है हानिया के बारे में आता है ना, हाँ इस्माइल हानिया बुलाए अपने घर में बिठाए और कुछ आफत की कैसी करी देख लिए। अरे तुम्हें समझ रहे एक इस्लाम इस्माइल हानिया को मार के तुम ये जलचित लेंगे? अरे नादानो, अरे बेवकूफो, एक मुनाफिक है तो दूसरा काफिर है मानने वाला। ये कौम जो है किसी के साथ बोले कि भरोसा नहीं की किसी पे, यानी क्या चाहिए इन पे एतमाद नहीं कर सकते हम। इसलिए अल्लाह के हमारे बुजुर्गों ने कहा कूफी ना यूफी, ये जितने कौम है ना भरोसे के काबिल नहीं है, कब किसको हाथ देंगे कहां से खा लेके आएंगे नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहनवाज आबदी। आज मैं फेसबुक पे कुछ सर्च कर रहा था तो एक वीडियो सामने आई, उसमें मौलाना जाफर पाशा साहब, मैं इनको हमेशा अच्छा ही समझता था लेकिन आज वीडियो देखे बाद से शायद मैं गलत था, अब महसूस हो रहा मुझे। इसलिए कि जो मुकाम पे है, जो जगह पे उन्हें बैठे हुए, उनको वो चाहिए था कि ऐसी बात ना करे, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी बात करे कि उन्होंने बोले कि एक जिन्हें मुनाफिक बुलाया और काफिर मारा, इन्हें बुला के मारते लोग। सोचिए अब कैसे किसको बोल रहे हैं, कम से कम इनको बराबर उनका नाम लेना भी नहीं आ रहा इस्माइल हानिया का, पूछ के नाम ले रहे, उनके बारे में बैकग्राउंड मालूम है या नहीं पता नहीं, कम से कम उनकी बेटी का स्टेटमेंट सुन लेना चाहिए था। कोई मदद नहीं करा हमारे सिवाय ईरान के, पूरे अरब कंट्री खामोश थे, चुड़ियां पहन लेते थे मदद का। 10 महीने से जंग चली, बताइए आप 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीन शहीद हो गए 10 महीने से जंग, मदद कौन करा बताइए? लिबनान से मदद कहां मेरी बताइए? सब जानते हसन नसरुल्ला हिजबुल्ला जो मदद मिले, उनके कितने टॉप क्लास कमांडर को शहीद हुए, सीरिया से मदद मिल रही, यमन से मदद मिल रही, ये कौन कर रहा बताइए आप? ये पहली बार ये जो जाफर पाशा साहब जो बोले, ये पहली बार इस्माइल हानिया नहीं आया यहाँ पे, बार बार आते थे कुछ ना कुछ मदद के लिए आते थे, कुछ प्लान करने के लिए आते थे, उनको हथियार होना चाहिए था, उनको बैकअप सपोर्ट के लिए, उन्होंने प्लानिंग के लिए, पहली बार थोड़े बल्कि पहली बार बुला के मारे, बल्कि आप बोले कि बुला के मार दिए, ये आपको सूट नहीं होता, आपको चाहिए इसके ऊपर माफी मांगना, आप बात को क्लियर करना चाहिए। आप जो बात बोले वो आपको सूट नहीं होती, आप किसी के दिल को तकलीफ होती। आप वो शख्स के बारे में बोल रहे हैं कि अपने उनका प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर और दीगर उनके साथ लोग शहीद हो गए, किसके लिए? कि इसराइल की आंखों में आंखें डाल के देखे, और इसराइल इतना बुजदिल है छुप छुप के बाहर करता, और हम तो खुला बोल के करने वालों में से हम, ईरान खुला बोल के हमला हम करेंगे करेंगे, 72 घंटों का टाइम भी जब ईरान लिया तो खौफ में थे बाप बेटे, बाप अपने बेटे को बचाने के चारों तरफ से घेरा डालने के था, कहां से हमला होता थे खौफ में थे, ईरान हमला करो या ना करो, रातों की नींद तोड़ा दिया उन्हें 72 घंटे की, खौफ में थे ना पूरे, कब क्या होता कब क्या होता, सो नहीं सक रहे थे लोग, वो हालत हो गई। इतने कंट्रियां मिलकर सुपर पावर हो गई, इतनी खौफ कि मदद करने वाला 10 महीने से जो मदद कर रहा ईरान मदद कर रहा, ये लोगों से तमाशा देखने ले, अब इल्जाम लगा रहे हम, अब इल्जाम लगा रहे हम जब से खामोश थे। अब आप बताइए कितने शहादत ईरान पेश किया, कहां कहां से मदद कर रहा बताइए आप? ईरान कहने की सुपर पावर नहीं है ना ईरान, उतनी टेक्नोलॉजी है अमेरिका इज़राइल नहीं है, फिर भी तो ईमान की मजबूती हो। ये अरब कंट्रियां वाले अपने आप को मुसलमान दिखा के अंदर से यहूदियां हैं लोग, अब तकरीबन लोग समझ चुके, ये जो सऊदी अरब जो अरब कंट्री के जो चाल थी तकरीबन लोग समझ गए, जो बच्चे कुचे लोग नहीं समझ रहे ऐसे ही लोग ऐसे बेतुके बात बोलने से चंद लोग अभी भी नहीं समझे, उनको चाहिए कि माफी मांगना चाहिए, उनको उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए था, उनको नाम लेना बराबर नहीं आ रहा, उन्होंने उनके बारे में डिटेल मालूम करने करे, लेकिन ऐसी बात बोले जिन्हें बुला के मारा, बुलाए सलाम मुनाफिक है, मारा सलाह काफिर है, बल्कि गलत है। इतनी शहादत पेश की ईरान ने, आज कौन है मदद करने वाला? सब डर के पीछे हट गए। देखिए इसलिए ईरान हमेशा साथ दे रहा, हक का साथ, मजलूम के साथ दो, जालिम के सामने ठहरो मुकाबला करने के, इतना खौफ 72 घंटे का बाप बेटे पे, यजीदी लश्कर को खौफ था हजरत अब्बास अलैहि सलाम का, ये उन्हीं का गुलाम उनके चाहने वाला है, आज उनके खौफ से डर रहे हैं, आज ईरान के खौफ से। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो हमारे जाफर पाशा साहब जो बात बोले वो गलत बात बोले, उनको वो सूट नहीं होता, मैं आज तक तो उनको बहुत अच्छा इंसान समझता था। ईरान हमेशा सुन्नियों के लिए, सुन्नी भाई मत बोलो, सुन्नी हमारी जान है बोलते थे, हम नहीं साहब बोलते, तो चाहिए कि माफी मांगे, और यह वीडियो को शेयर जरूर करिए और ये वीडियो उन तक पहुंचाइए।